दोस्तों जब हम लोग क्रिकेट खेलते हैं तो हमेशा एक विचार आता है कि बैट में क्यों ना हम लोग स्प्रिंग फिट कर दें जिससे हमारा हर शॉट सिक्स जाए। तो आज हम लोगों ने बैट में स्प्रिंग फिट कर लिया है, तो चलिए देखते हैं कितना लंबा छक्का जा रहा है स्प्रिंग वाले बैट से। मैं इस स्प्रिंग बैट को देख सकते हैं कुछ इस तरीके से बना ले रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं इस स्प्रिंग वाले बैट का स्प्रिंग कैसे काम कर रहा है। दोस्तों स्प्रिंग बैट के साथ साथ हमारे पास एक नॉर्मल बैट है और एक बेसबॉल बैट है। इन तीनों से देखेंगे कि किससे सबसे ज्यादा लंबा जा रहा है सिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं नॉर्मल वाला बैट से खेलने जा रहा हूं। दोस्तों यहां पर हम लोगों का संख्या बहुत ही कम है, तो गेंद लाने के लिए मैं यूज कर रहा हूं बाइक का, और डिस्टेंस मेजर करने के लिए ट्रिप मीटर मैं मोबाइल में डाउनलोड कर लिया हूँ। इसे हम लोग आसानी से माप सकते हैं कितना दूर गेंद जा रहा है। तो चलिए खेलना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा गेंद है और यह लगभग 103 मीटर आया है नॉर्मल बैट से। तो चलिए अब देखते हैं स्प्रिंग वाले बैट से कितना दूर आ रहा है उतना ही फास्ट मूव करने पर। दोस्तों बारिश के चलते एक्सपेरिमेंट रुक गया था, अब बारिश पूरी तरह से छूट चुका है। तो चलिए अब स्प्रिंग वाले बैट का यूज करते हैं और फिर देखते हैं कितना लंबा छक्का जा रहा है। मात्र इतना ही दूर जा रहा है। चलिए अब इसको माप करके देखते हैं कितना लंबा जा रहा है। दोस्तों यह इतना नजदीक है कि मैं पैदल भी माप सकता हूं। तो चलिए वहां से स्टार्ट करते हैं। ये हो गया स्टार्ट। और यहां पर देख सकते हैं मात्र 41 मीटर, बहुत ही कम, ये तो छक्का भी नहीं है। दोस्तों स्प्रिंग वाले बैट से लंबा छक्का नहीं जा रहा है, तो चलिए एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। इसे समझने के लिए मैं दो बॉल और दो बैट ले लिया हूँ, एक स्प्रिंग वाला और एक नॉर्मल वाला। तो चलिए इस दोनों बॉल को सेम हाइट से गिराते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है। इस दोनों बॉल को सेम हाइट से गिरा रहा हूँ, फिर देखते हैं कौन सबसे ज्यादा हाइट अचीव कर रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं नॉर्मल वाला बैट पर ज्यादा बॉल बाउंस किया है और स्प्रिंग वाले बैट पर बहुत ही कम किया है, क्योंकि स्प्रिंग वाले बैट पर बॉल गिरने पर बहुत सारा एनर्जी ट्रांसफर हो जा रहा है स्प्रिंग में, और रिलीज करने से पहले ही बॉल बाउंस कर जा रहा है, इसीलिए हाइट ज्यादा अचीव नहीं कर पा रहा है। चलिए इसको एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। मेरे पास एक बास्केटबॉल है और एक टेनिस बॉल, इसमें थोड़ा सा हवा कम है तो यह स्प्रिंग की तरह ही काम कर रहा है। तो यहाँ पर मैं रख दे रहा हूँ स्प्रिंग की तरह ही, जिस तरह से स्प्रिंग वाला बैट रखा था, और इस हाइट से इस बॉल को गिरा रहा हूँ। तो देखिए कितना हाइट अचीव कर रहा है, वो मात्र इतना ही हाइट अचीव किया है। और जैसे ही मैं इस बास्केटबॉल पर इस टेनिस बॉल को रख करके सेम हाइट से गिरा रहा हूँ, तो देखिए कितना हाइट अचीव करेगा। वो देख सकते हैं कितना हाइट अचीव किया। दोस्तों जैसे ही मैं इन दोनों बॉल को एक साथ गिरा रहा हूँ तो यह धरती को एक ही बार में हिट कर रहा है, जिससे इसमें के इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी एक ही बार में रिलीज हो जा रहा है, जिससे यह ज्यादा हाइट अचीव कर रहा है। अगर इस तरह से कोई सिचुएशन क्रिएट किया जा रहा है तो हम लोग बहुत लंबा छक्का मार सकते हैं। बेसबॉल बैट तो बहुत ही कमजोर निकला, आसानी से यह टूट गया, शायद दुकान वाले ने हम लोग को ठग दिया था, इसलिए मैं इसके जगह पे इस स्टील के पाइप का यूज करने जा रहा हूँ। यह मजबूत होने के साथ साथ बहुत ही हल्का है। ओ,
ओ माय गॉड, इतना लंबा छक्का। तो चलिए अभी इसको माप करके देखते हैं यह कितना लंबा छक्का गया है। तो चलिए दोस्तों यहाँ से माप करके देखते हैं कितना लंबा छक्का गया है। मैं यहाँ से ट्रिप मीटर स्टार्ट कर दे रहा हूँ। चलिए अब मापना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा गेंद है और देख सकते हैं यहाँ पर 130 मीटर लंबा छक्का आया है इस पाइप से। That's awesome! इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। धन्यवाद।